हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होम इकोनॉमिक्स। आज छुट्टी का दिन है और शाम का टाइम है और बेबी को बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने सोचा जल्दी जल्दी उसके लिए एक अच्छा सा स्नैक बनाया जाए जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी। इसमें पड़ेंगी बहुत सारी वेजिटेबल्स। मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन चीला। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीग्रेन चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले मुझे वेजिटेबल्स को चॉप करना है, बहुत छोटा छोटा। और इसके लिए मैं अपना चॉपर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही हैंडी चॉपर है और बहुत काम का है। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, दो गाजर है और मेरे पास है फूल गोभी। आप चाहें तो आलू प्याज जो भी आपके घर अवेलेबल है वैसे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं इसे क्विकली चॉप करूँगी। देखिए मेरे वेजिटेबल्स चॉप हो गए हैं बहुत अच्छे से, एकदम फाइन चॉप। इससे बेबी को पता भी नहीं चलता और इतनी सारी वेजिटेबल्स चली जाती हैं। अगर आपके पास मेथी, पालक ऐसा भी कोई चीज़ है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और बच्चे बहुत मन से खाते हैं। इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बेबी के लिए जो भी मैं चीला बना रही हूँ उसका बैटर जो बचेगा मैं उसी से हमारे लिए पैटीज़ बनाने वाली हूँ। तो इसलिए अगर आप देखोगे कि क्वांटिटी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है तो साइड में रखा है मैंने। इस अटैचमेंट को लगा के आप कोई भी बैटर बना सकते हैं, तो मैं इस बैटर को भी इसी में ही बनाऊँगी। मैं सूजी डाल रही हूँ, ये महीन वाली सूजी है। 3 चम्मच सूजी डाली है मैंने। 1 चम्मच ओट्स डालेंगे, 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। हमारे ये मल्टीग्रेन चीला है तो आपके पास कोई भी मल्टीग्रेन हो जैसे कि ज्वार का आटा, रागी हो, आप उसे इंक्लूड कर सकते हो। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ राइस फ्लावर। फ्लेवरिंग के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ा सा नमक को डालेंगे स्वाद अनुसार। मैं बेबी को बहुत ज़्यादा नमक नहीं देती हूँ। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन का पाउडर। इससे जो भी मल्टीग्रेन फ्लावर और हम जो मतलब गोभी वोभी दे रहे हैं बच्चे को वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। कोशिश करिए कि अजवाइन, सौंफ और मेथी ऐसी चीज़ें बच्चों को दें क्योंकि उससे उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है और जो भी वो खाते हैं उससे उनको बाधी नहीं होता है या स्टमक प्रॉब्लम्स कम आती है। चुटकी भर हींग डाल रही हूँ मैं। अगर आप दही डाल दीजिए, मैं नॉर्मल पानी से इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। देखिए बहुत अच्छा एक स्मूथ सा बैटर बन गया है। ये थोड़ा मैंने गीला रखा है बिकॉज सूजी जो है वो थोड़ी फूलती है। 5-10 मिनट इसे ढक के रखेंगे। इसे मैं मिक्स कर लूँगी। कटलेट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, बट देन अगर मुझे चीला बनाना है तो उसे मुझे थोड़ा सा गीला और करना पड़ेगा। वो मैं इसे अभी फ़िलहाल ढक के 10 मिनट रख देती हूँ, उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सेट करेंगे। और देखिए 15 मिनट के बाद मेरा बैटर एकदम ड्राई हो गया है बिकॉज सूजी ने अच्छे से जो भी मैंने पानी डाला था उसको सोख लिया है। अब मैं इस बैटर को डिवाइड कर दूंगी। पहले बेबी के लिए थोड़ा सा निकाल दूंगी और फिर इसी में मैं अपने कटलेट्स बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा बैटर मैंने अलग कर लिया बेबी के लिए, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मैं ठीक करूंगी बिकॉज मुझे इसका चीला बनाना है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चीले के लिए। अब मैं तवे पे इसे डाल लेती हूँ चम्मच की मदद से, उसे फैला लेंगे। मैं बेबी के लिए देसी घी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसे मैंने कम आंच पे कर दिया है। इसे मैं ढक के अब इसे स्टीम में ऊपर से वेजिटेबल्स के साथ पकने दूंगी। मुझे इंश्योर करना है कि मेरी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं ताकि बेबी जब इसे खाए तो अच्छे से चबा पाए वो। और इसे जब तक पकने देते हैं साइड में अपने कटलेट्स बना लेते हैं। जो बाकी का बैटर था उसमें आपने देखा मैंने कुछ भी फ्लेवर नहीं ऐड किया हुआ था, बहुत कम नमक और सिर्फ अजवाइन डाला हुआ था क्योंकि आई एम गोइंग टू सर्व इट विथ मेयोनीज एंड सेजवान सॉस जिसमें ऑलरेडी बहुत फ्लेवर होता है। आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल। आप चाहे तो मसाले ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च।
थोड़ा सा नमक ऐड किया मैंने, हाथों से इसे चलाऊंगी। मैं गरम करने रखा था उसको मैं हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ विथ ऑयल ताकि पैटीज डाल सकूँ। गरम गरम इसे गोल गोल पैटी का शेप देंगे हम, और फिर इसे हमें दोनों तरफ से लाल इसे करना है। आप चाहें तो कोई मोल्ड यूज़ कर सकते हैं टू गिव इट अ नाइस शेप। मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने सिर्फ उतना ही फ्लावर यूज़ किया है जिससे मेरे वेजिटेबल्स को एक अच्छी सी बाइंडिंग मिल पाए, और ये जो फ्लावर है हमारा वो ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्लारी हो जाएगा और आपको वेजिटेबल्स का क्रंच नहीं आएगा। ऊपर का लेड हटा दिया है और देखिए ऊपर से चीला एकदम अच्छे से स्टीम हो गया है, और इसे हम थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे नीचे और फिर टर्न कर देंगे, बिकॉज हमें इसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है और ना ही ज़्यादा क्रिस्पी करना है, क्योंकि फिर वो बेबी के लिए चबाना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ें बच्चों के मुँह में चुभ जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पलट रही हूँ, थोड़ी देर टिक्कियों को भी ढक देंगे ताकि स्टीम में अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा ऑयल और लगाऊंगी मैं इसमें। ऐसे टर्न करेंगे, देखिए आपको इंश्योर करना है कि ये कच्चे ना रहे वेजिटेबल। थोड़ी देर और ढक देंगे, इसे पलट लेते हैं। इसे मैं कर रही हूँ बंद। देखिए बेबी के लिए यमी सा चीला बिल्कुल बन के गर्मा गर्म तैयार है। ही लव्स इट। कभी भी रात को भी 2-3-4 बजे कभी भी जब भी उसे भूख लगती है मैं उसके लिए यही बनाती हूँ। एक तो ये बहुत न्यूट्रिशियस मील है और बहुत सारे अनाज और बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं बच्चों को। इसे यही तरीका है हम वेजिटेबल्स खिलाना सिखा सकते हैं। देखिए गर्मा गर्म पैटीज बन के तैयार हैं। इसे टिक्की कह लीजिए, पैटी कह लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। और देखिए कितनी न्यूट्रिशियस हैं ये, और इसे चाहे तो आप अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। चाहे तो आप इसे एक रोटी के अंदर डाल के थोड़े से सैलड के साथ रोल बना के खा सकते हैं, या फिर सैंडविच में अंदर डाल के एज ए बर्गर खा सकते हैं, या फिर कैबेज के रोल्स बना सकते हैं, लेटस रोल्स बना सकते हैं। अलग तरीके से इसे खाइए और एंजॉय करिए। मुझे बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। लाइक करके शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल होम इकोनॉमिक्स को। मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे, तब तक बाय बाय।